जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, आज का जो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आप सभी के लिए, जितने भी मेरे दोस्त ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो CRPF, BSF, ITVP, इन सभी किसी भी सेक्टर में, उनके लिए मैंने काफ़ी मेहनत करके, क्योंकि मेरे को बार बार मैसेज आ रहे हैं कुछ दोस्तों के कि सर ट्रेड पे एक दो वीडियो बना दीजिए कि ट्रेड के जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं। हमको उसका सिलेबस तो पता, लेकिन ट्रेड के क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो मैं आज के इस वीडियो में आपको सभी ट्रेड में जो ट्रेड के क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं, आपको किस प्रकार से, जैसे अगर सफाई वाला है, बिगुलर है, या दर्जी है, कुक है, उनके जो एग्ज़ाम में जो पेपर आते हैं वो किस प्रकार के आते हैं, वो सभी के सभी मैं इसमें बताने वाला हूँ। इसके लिए काफ़ी मेहनत की है मैंने, जितने भी मेरे साथ में जो ट्रेड वाले दोस्त काम कर रहे हैं, मेरे भाई, उन सभी से पूछा हूँ उनके एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, ताकि आपको एक आइडिया दे सकूँ कि इस प्रकार से आपको ट्रेड के क्वेश्चनों की तैयारी करनी है और आपका जो ट्रेड है उसके हिसाब से। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना, सभी ट्रेड के जितने भी ट्रेड है उनके लगभग मैं सभी ट्रेड के आपको बताने वाला हूँ कि ट्रेड के क्वेश्चन कैसे आएंगे। आप सभी को पता है अभी ट्रेड की वैकेंसी आ रही है CRPF में भी, BSF में भी, ITVP में भी, और भी आने वाली है, जैसे SSB में आने वाली है, असम राइफल में भी ट्रेड की वैकेंसी आने वाली है, साथ में ITVP में भी असम इसके ट्रेड की वैकेंसी आने वाली है दोस्तों, और कई सेक्टरों में जो आ रखी है। तो ट्रेड की जो भी बंदा तैयारी कर रहा है, ट्रेड में थोड़ी सी एज का भी छूट मिल जाता है, और आपके लिए जो दोस्तों की एज थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है वो ट्रेड की तैयारी करते हैं, चाहे आप आर्मी के ट्रेड में चले जाओ, कोई से भी ट्रेड में जाओ, जो ट्रेड के क्वेश्चन आते हैं उनको मैं आपको एक भली भांति एक प्रारूप दे दूंगा कि किस प्रकार से ट्रेड के क्वेश्चन आते हैं। तो उससे आपको ये होगा कि आपको होता क्या कि 90% लोग जब ट्रेड का पेपर देने जाते हैं तो दो चीज़ उनके माइंड में रहती है, एक तो कि सर वो तो कर लेंगे हम क्वेश्चन, लेकिन जो ट्रेड वाले क्वेश्चन आते हैं तो वो उनको पता नहीं रहता, वो बिल्कुल फालतू की चीज़ें पढ़ते हैं, फिर एग्ज़ाम में कुछ और रहता है, वो ट्रेड टेस्ट है उसमें फेल हो जाते हैं। क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है कि ट्रेड में आएगा क्या, आपका जो ट्रेड है उसके हिसाब से कौन से क्वेश्चन बनते हैं, या एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो फिर वहाँ पर फेल होना ही होना है शायद, मतलब नॉर्मल सी बात। दूसरी बात, लोगों को लगता है कि ट्रेड में मतलब पैसे दे के लगते हैं, ये भी बहुत सारे मेरे पास में मैसेज आते हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, वो बातें पुरानी हो गई, जब होता था तब होता था, आज के टाइम में ये सब चीज़ें बंद हो गई है। आप देखना हर एक भर्ती पर आपकी लाइव क्लासें चलेगी, लाइव मतलब रिकॉर्डिंग चलेगी, उसके बाद में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप अच्छा किए हो तो आपको कोई बाहर नहीं निकाल सकता, ठीक है। तो अगर हम ट्रेड की बात करें तो शुरुआत से मैं एक एक ट्रेड की बता रहा हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले ले लेते हैं सफाई वाला। सफाई वाले की जो ट्रेड में क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं दोस्तों, जो सफाई वाले के जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं वो तो वही, मैं केवल ट्रेड के बता रहा हूँ। सफाई वाले की ट्रेड में जो क्वेश्चन आता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अगर हमने ग्लव्स यूज़ में लिए हैं तो हमको कौन से डस्टबिन में डालना है, जैसे तीन कलर के डस्टबिन होते हैं आजकल, ग्रीन एक अलग प्रकार का और तीन प्रकार के, जैसे अलग अलग डस्टबिन है, तो ग्लव्स यूज़ में लेके लिए अब उनको किस में डालना है, किस प्रकार के ग्लव्स हमको यूज़ में लेने चाहिए सफाई करते समय, हॉस्पिटल में जो सिरिंज होती है उसको कौन से बॉक्स में डालना होता है, ठीक है। सफाई करने के जो कीटाणु मारने की सबसे अच्छी, जैसे वहाँ पर चार ऑप्शन दे देंगे, इनमें से कौन सी दवा कीटाणु मारने की है, कौन सी बैक्टीरिया मारने की है, कौन सी दवा आपको मतलब जैसे वो अपना मच्छर स्क्वाड उसके लिए कौन सी दवा है, ज़्यादा जंग आ रखा है या कोई पुराना कचरा है, पुराना रूम है, उसमें मतलब कौन सी दवा सबसे पहले मतलब छिड़कनी चाहिए ताकि इन्फेक्शन ना हो, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं सफाई वाले के, ठीक है। ग्लव्स कौन से यूज़ करने चाहिए, किस प्रकार के ग्लव्स यूज़ करने चाहिए, डेली जो ग्लव्स यूज़ करते हैं उनको कितने समय तक यूज़ कर सकते हैं, या जो लॉन्ग समय वाले जो ग्लव्स होते हैं उनको साफ़ करना चाहिए तो किससे साफ़ करना चाहिए, कौन सी सोप का सबसे अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए, इनमें से कौन सी सोप केवल हैंड वॉश के लिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। कौन सा मतलब जैसे अलग अलग आपको 5-6 टाइप दे देंगे उसकी, इनमें से कौन सी चीज़ मतलब इसके यूज़ किए, जैसे अगर कोई सफाई के कोई भी रिलेटेड सामान है, जैसे आपके जैसे हैंड वॉश करने के बाद में इसके आपके मतलब बैक्टीरिया मारने की है, इस प्रकार से ऑप्शन देते हैं, ये आते हैं सफाई वाले के लिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं सफाई वाले के लिए। और हल्के फुल्के और मान लो इसका छोटा मोटा और इस टाइप के क्वेश्चन, आपको काफ़ी आइडिया हो जाना चाहिए किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में अगर बात करें बिगुलर, तो दोस्तों बिगुलर के लिए जैसे कि बिगुलर भारत में कब आया है, इसको किस प्रकार से बजाया जाता है, बिगुल किस मेटल का बना हुआ होता है, उसका वजन कितना होता है, दो चार जो बिगुल होते हैं अलग अलग टाइप के, इनमें से कौन सा बिगुल किस समय बजाया जाता है नॉर्मल, ये मतलब इससे पूछा जाएगा। इसके बाद में ये फौज में कब आया, या कौन सी फौज में ये बिगुल सबसे पहले आया, या हमारे देश में फौज में बिगुल की मतलब क्या महत्व है, ये किस मेटल का बना हुआ होता है, इसको कितनी बार मतलब किस हिसाब से बजाया जाता है, इस प्रकार के आते हैं बिगुलर के क्वेश्चन, ठीक है, ये होते हैं बिगुलर के क्वेश्चन। इसके बाद में अगर हम बात करें बार्बर,
जिनका ट्रेड बार्बर है, तो बार्बर के क्वेश्चन कैसे आते हैं? दोस्तों बार्बर के जो क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले आते हैं टूल के क्वेश्चन कि अगर आपको शेविंग बनानी है तो कौन कौन सा टूल लगेगा, नीचे ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, हैं, हेयर कट करने के लिए कौन कौन सा टूल लगेंगे, उसमें टूल लिखे हुए बॉक्स रहता है उसमें कि आपको ये चीज़ें, कौन सी क्रीम मतलब शेविंग की, कौन इनमें से कौन सी शेविंग की क्रीम है, इनमें से कौन सी हेयर कट के लिए क्रीम यूज़ में लेते हैं, इनमें से कौन सा मतलब वॉश के लिए क्रीम लेते हैं, हैंड वॉश करने के लिए कौन सा क्रीम लेते हैं, आपका जो रेजर होता है उसको वॉश करने के लिए इनमें से कौन सा उपयोग लेते हैं, जैसे डिटॉल, डिटॉल इनका नीचे नाम लिखा रहता है, हैं। इसके अलावा जो अलग अलग जितने भी बॉक्स उसमें है उसके लिए आपसे पूछ लिया जाता है कि किसका मतलब इन्फेक्शन अधिक हो सकता है, जिसके चेहरे पर इन्फेक्शन होता है उसको आप कैसे दूर कर सकते हो, इन्फेक्शन के लिए इनमें से कौन सी वस्तु का आप उपयोग कर सकते हो, ये आते हैं बार्बर के ट्रेड में, ठीक है, कि इन्फेक्शन के लिए इनमें से आप कौन सी वस्तु का उपयोग करोगे। तो जैसे आप वहाँ फिटकरी दे दी है, ट्यूब भी दे दी है, तो वो नाम आपको पता होना चाहिए, कौन सी क्रीम, जैसे ये जेल है, इनमें से कौन सी क्रीम जेल है, इनमें से कौन सी क्रीम शेविंग क्रीम है, इनमें से कौन सी क्रीम हेयर कट के लिए काम में ली जाती है, इनमें से कौन सा ऑयल सबसे अच्छा है हेयर के लिए, तो मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं बार्बर के, तो आपको मतलब काफ़ी आइडिया हो जाना चाहिए बार्बर का इससे। इसके बाद में आते हैं हम कुक पर कि कुक के क्वेश्चन कैसे आते हैं। दो कुक के जो क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले कौन सी सब्जी को, इस सब्जी को जैसे कोई सब्जी का नाम दे, इसको कितनी देर बॉईल करना चाहिए, इस सब्जी को किस प्रकार से बनाया जा सकता है, इसमें कौन कौन सी आवश्यक सामग्री लगती है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन कौन सी सब्जी में होता है, सबसे ज़्यादा विटामिन कौन सी सब्जी में होता है, एक सब्जी किस मतलब एक को बॉईल करने के लिए कितना समय लगता है, किस ताप पर बॉईल किया जाना चाहिए, बॉईल करने का सही तरीका क्या है, किस प्रकार से मतलब उसको सब्जी को, जैसे कोई भी सब्जी दे देंगे उसको किस प्रकार से बनाया जाता है, या किस प्रकार से किस आग पर बनाया जाना चाहिए, खाना बनाने की कौन सी विधि मतलब सबसे पहले काम में लेनी चाहिए, इस प्रकार से अलग अलग जैसे प्रोटीनों के नाम पूछ लेंगे आपको, कुक के में खाने की डिशेज पूछ लेंगे, इनमें से कौन सी खाने की डिशेज है, इनमें से कौन सी मतलब स्वीट डिशेज है, नीचे आपको दे देंगे, कौन सी मिठाई बनाने के लिए इनमें से कौन, जैसे कोई मिठाई का नाम दे देंगे, जैसे रसमलाई, इसमें से किसका उपयोग, जैसे दूध का उपयोग किया जाता है, अलग अलग प्रोटीन पनीर का उपयोग किया जाता है, ऐसे ऐसे अलग अलग नाम दे, गुलाब जामुन बनाने की सही विधि कौन सी है नीचे लिख देंगे ऑप्शन में, गुलाब जामुन किससे बनता है, जो रसमलाई है वो किससे बनती है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कुक में, ठीक है। तो ये कुक का इस प्रकार से ट्रेड का कुक का होता है दोस्तों, तो ये कुछ ट्रेड है। इसके बाद में अगर हम बातें हैं माली, जो माली क्वेश्चन है उनको जैसे पूछा जाता है कि बाग के बारे में, ठीक है, कौन से फूल की खुशबू सबसे अच्छी होती है, कौन सा फूल लगने में कितना समय लगता है, कोई पेड़ का नाम दे देंगे या कोई फूल का नाम, इसको पकने में कितना समय लगता है, इसमें निरंतर पानी कितना देना चाहिए, या निरंतर पानी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, किस मतलब कितनी दूरी पर इस पेड़ को, इन पेड़ों को लगाना चाहिए, अगर हमको कंटिन्यू वो एक रेखा बनती है उस प्रकार से अगर पेड़ लगाने हैं तो उनको कौन सी काम में लेने चाहिए, या उसके जो टूल होते हैं उसके कि कौन से किससे खुदाई करनी चाहिए, कितनी खुदाई करनी चाहिए, कौन सा खाद उपयोग में लेना चाहिए, ये आते हैं माली के कि भाई इन पेड़, जैसे कुछ पेड़ दे देंगे जैसे कोई फूल, तो इनमें कौन सा खाद उपयोग में लेना चाहिए, नीचे ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। ये आते हैं माली के पेपर में, जो माली होते हैं उनके ट्रेड में आते हैं ये। अब इसके अलावा और कौन सा बच गया है, इसके अलावा जैसे धोबी बच गया है कि धोबी के ट्रेड में कैसे आते हैं, तो दोस्तों इसी प्रकार कैसे, जैसे कपड़े धोने के लिए इनमें से कौन सा डिटर्जेंट है, कौन सा डिटर्जेंट मतलब कौन सा, इनमें से कौन सा डिटर्जेंट सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है कपड़े धोने के लिए, कितनी देर कपड़ों को भिगाए रखना चाहिए, आयरन करते समय किस प्रकार का मतलब किस वस्तु का ध्यान रखना चाहिए, आयरन को किस ताप मतलब कौन सी वस्तु धातु की बनी हुई होती है, हैं, उसके बारे में, ये कितना मेगा वाट का होता है, आयरन के बारे में भी हो सकता है आपके, उसके बारे में जैसे धोबी होता है उसके बारे में भी हो सकता है, कौन से डिटर्जेंट से धोने चाहिए, किस प्रकार से धोने चाहिए, सिल्क का कपड़ा है उसको किस डिटर्जेंट से धोना चाहिए, कितनी देर भिगोना चाहिए, अलग अलग प्रकार के इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों ट्रेड के। तो कुछ ट्रेड मैंने इसमें कंप्लीट कर दिए, कुछ ट्रेड और अगर रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए, उन ट्रेड के बारे में भी मैं पता करके आपको अच्छा सा वीडियो बना के दूंगा, ताकि आपको पता चले कि कौन से ट्रेड में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, से इन क्वेश्चनों की आप तैयारी करें, ठीक है। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, उधर में आपको और अच्छे से नीचे लिंक है, उधर जुड़ जाइए, और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।